सेकेंड टर्म डे 23 यूनिट नंबर 11 का आज हम करेंगे पेज नंबर 126, जिसमें फिलिंदी ब्लैंक्स दी गई हैं। सबसे पहले उन्होंने आपको 99 रुपीज़ दिए गए हैं, 5, 6, 7, 8, 9 रुपीज़ दिए गए हैं। वो आपको कह रहे हैं 2 रुपी के जो कॉइन्स आपने सेपरेट करने हैं, बताने कितने कॉइन्स हैं और 1 रुपी के कितने कॉइन्स यूज़ हुए हैं, तब मिलकर हम लोगों का 9 बनेगा। तो सबसे पहले काउंट करें 1, 2 रुपी के कितने कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स हैं, तो आपने नीचे वाले ब्लैंक में लिखना है 2। उसके बाद आपने बताना है कि 1 रुपी का कितने कॉइन है, 1, 2, 3, 4, 5 कॉइन्स हैं। तो ये हम सबको काउंट करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हम लोगों के पास कितने बनते हैं, 9 रुपी बनते हैं। अब बी पार्ट पे आएँ, आपको 20 का एक नोट दिया गया और 5 का 1 कॉइन दिया गया, तो 20 और 5 मिलकर 25 बनते हैं। अब वो आपको कह रहे हैं कि 10 रुपी के नोट सेपरेट करें, 1 का कॉइन सेपरेट करना है, 2 के कॉइन सेपरेट करें। तो सबसे पहले हम बताएंगे 10 के कितने नोट यूज़ हुए हैं, 2, तो आपने ब्लैंक में 2 राइट करना है। सेकंड वाले में वो आपको कह रहे हैं 2 रुपी के जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं, हमारे पास 2 कॉइन्स हैं, तो आपने यहाँ पर 2 राइट करना है। और लास्ट में हमारे पास 1 रुपी का कितना कॉइन है, 1 कॉइन है, 1 राइट करें। अब इन सबको हम काउंट करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास 25 ही बनता है। 10, 10, 20, 20 में 2 ऐड किया 22, 24 एंड 25, तो हम लोगों का आंसर है 25। अब आपने पेज नंबर 127 पे देखे, ये आपका होमवर्क है। वो कह रहे हैं ऐड एंड राइट दी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स एंड नोट। आपने कॉइन्स को और नोट्स को प्लस करके जो आंसर आएगा वो आपने नीचे बॉक्स में लिखना है। जैसे हम 5 का कॉइन और 2 का कॉइन को ऐड करते हैं तो हमारे पास 7 आता है, 20 के नोट और 10 के नोट को प्लस करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। इसी तरह आपने ये सारा अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करना है।